वर्ष हो गया। सुदामा जो है वो जीव है और सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी जो है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जी के इंद्रिय, इंद्रियार्थों से विषय वासनाओं से सर्वथा विरक्त है। ब्रह्म वित्तम ब्रह्म वित्ता है, प्रशांत आत्मा है, कोई अभाव उनको नहीं है। क्योंकि अभाव उसको होता है जिसके पास तृष्णा होती है, जिसको चाहिए ही नहीं वो रखेगा क्यों। भगवान का दर्शन तो ऐसे भी ठीक होता है। सुदामा जी को ये बात सही आ गई। पत्नी कौन है? बुद्धि। सुदामा कौन है? जीवात्मा। बुद्धि का क्या काम है? वह आत्मा को व्यापार में संसार में न लगाए, भगवान में लगाए। बुद्धि ने कहा सुदामा से कि भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो ये बात सुदामा जी को जच गई। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन करना ये सबसे बड़ा लाभ है। और वेदोपन से कृष्ण और सुदामा दोनों को भेज, अब कोई जरूरत नहीं। पूजा में सबसे पहले गणेश जी का आगमन होता है, तो सबसे पहले गणेश जी का आगमन वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुवे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। उसके बाद हम सब शक्ति माँ को याद कर सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्व साधिके सर्वदम्ब के गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूक्ते शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारी जो मम्मी लोग हैं पापा लोग हैं वो लोग सुबह सुबह रुद्र अभिषेक करने चल जाया करते हैं, सुबह का आरती करके फिर 3 बजे के करीब अपना सारा काम जो भी है हमारा ख़त्म करके पढ़ाई पे जो भी सुन सकते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पर लगा हुआ है सारा, उसके ही हम लोग घर बैठे भी सुन लेते हैं प्रवचन, उनका मौका मिलता है तो वहाँ चल जाते हैं आरती के टाइम में जो 7 बजे आरती होता है। यहाँ तो गंगा नदी तो है नहीं, तो स्वर्णरेखा नदी में ही जाके वहाँ से जल लाया गया, यहाँ पे जल का स्थापना हुआ, कलश स्थापना, उसके बाद गीता का आरंभ हुआ। जो हमारे जो प्रवचक है आरएस से आए हुए हैं डॉक्टर भरत भूषण जी, उनका रोज 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे के करीब ख़त्म हो जाता है रोज का, 3 तारीख से 7 दिन तक 9 तारीख तक प्रवचन सुना। अभी भी आप सुन सकते हैं प्रवचन चल रहे हैं उनका, हमारे जो मुख्य वक्ता है उनका प्रवचन सुनते हैं हम लोग। श्री राम मंदिर समिति पारस नगर मानगो जमशेदपुर और यह कथावाचक डॉक्टर भरत भूषण महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है और यह भगवत कथा है और उस भगवत कथा में जो साथ दे रहे हैं जो भक्त हैं और जो भगवत कथा को सुन रहे हैं जो जजमान है वह हमारे साथ है। और यह भगवत कथा कितना दिन का हो रहा है और इसमें क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमारे साथ जजमान जी है ननकू ओझा, उनसे बात करते हैं कि आज जजमान है, आपको भगवत कथा का जजमान बनाया गया है, कैसा फील कर रहे हैं अपने अंदर से? बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। कैसे हुआ ये मतलब कैसे विचार आया कि आपको जजमान बनना है भगवत कथा में? वो चाची जी पे चाची का प्रेरणा से हमको बोली कि भगवत कराना है, तो बोला ठीक है करवाया जाए, वही चाची का प्रेरणा मिला तो इसका चलते हैं भगवत किया। कितने परिवार जुड़े हुए हैं इसमें? यहाँ पूरा पारस नगर का परिवार जुड़ा हुआ है। आपसे प्रेस के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि आदरणीय निर्मला जी उधर देखिए और ननकू ओझा, क्या नाम है, लीलाती देवी, ये लोग मुख्य जजमान हैं यहाँ के। 7 दिन से चल रहा, आज कितना दिन है? आज 7वां दिन आज समापन है। आज समापन है, समापन है। अभी 1 घंटा के बाद भंडारा चालू होने वाला है। अब पूरा बस्ती वाले इसमें तन मन से मदद किए हैं और आपका मीडिया वाला का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और मदद किए। चलिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरा केसरिया रंग में अयोध्या लगता है कि कुछ समय के लिए यहाँ आ गया। कितने यंग स्टार आपके साथ जुड़े हुए हैं इस जजमान? इस यज्ञ में हमारे साथ हमारे पूरे युवा साथी जुड़े हुए हैं। हमारे सब भाइयों के मदद से और बड़ों के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक भागवत का आयोजन हुआ जो आज समाप्ति के कगार पर है। समाप्ति नहीं, अगले साल इससे और भव्य करना है, मतलब इसकी तो इसकी शुरुआत है और 2025 2024 में और भव्य आयोजन करना है। हमारे साथ माता शक्ति है, उनसे बोलना चाहेंगे कि
कैसे करके आप लोग सब पुरुष को इस भगवत कथा में इन्वॉल्व कर लिए? इस समय तो हम अपने गांव पर थे, लेकिन जब हम गांव से आए तो मेरा मन में मतलब ऐसा मतलब लगा कि इस महीना पुण्य का महीना होता है, माघ का महीना, इसीलिए हमको लगा कि मतलब इस बार हम रहेंगे यहाँ पर और भागवत कथा करवाएंगे। सबसे हम राय विचार लिए, अपना मतलब जो मेरी सत्संगी पहले है वो लोग से राय लिए, फिर अपने बेटे लोग से सबसे मतलब यहाँ जो है इतने। आपका नाम क्या है? अंजलि सिंह। पहला बार हो रहा, देखे थे कि और भी हुआ था? नहीं, और भी देखे हैं। कैसा लग रहा है? पापा मम्मी पूरा परिवार आपके साथ है? अच्छा लग रहा है, ऐसे भी हमारा पूरा परिवार यही सारा यही सब में लगा रहता है। क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे बहुत ये सब कार्यक्रम होने से यहाँ बस्ती के लोग के मोहल्ले के मानगो वासियों के लिए बहुत ही बड़ी भक्तिमय हो रहा है और हम लोग बहुत प्रसन्न है इससे। बहुत प्रसन्न है? बहुत प्रसन्न है। हाँ, बहुत प्रसन्न है, हम लोग भी जुड़े इसके, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। मतलब राम भगवान को लाना है, लाना है। देखिए भगवत कथा का वह शक्ति होता है जिसमें दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, या तो भगवत कथा है जहाँ पर होता है वो उस जगह पवित्र हो जाता है, वहाँ के अगल बगल परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण पारस नगर में दिखाया जा रहा है, जिस 7 दिन का भगवत कथा हंसते हंसते पार हो गया, भगवान का नाम लेते लेते पार हो गया। और आज ये भंडारण है, यानी जो भक्त 7 दिन तक ये भगवत कथा सुन रहे थे उनके लिए आज भंडार का है, और यही प्रसाद है। इस भगवत कथा में जो भी आ रहे हैं इसका प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे, और हमें विश्वास है कि पारस नगर जो मानगो का है आने वाले समय में इससे भी भव्य आयोजन किया जाएगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।